हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फटाफट फटाफट एक बार लिंक के साथ जुड़ जाइए और अपने जितने भी मित्र हैं, आपके जितने भी चहेते हैं या आप जिनके भी वेल विशर शुभचिंतक हो, उन सभी तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहां पर भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, वहां तक इस लिंक को जल्दी से जल्दी पहुंचा दिए ताकि समय खराब नहीं हो हमारा और हम फटाफट फटाफट से अपने प्रैक्टिस सेशन के ऊपर आ जाते हैं। सुमित कुमार, पारुल सैनी, आशीष कुमार, चंदन कुमार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून। काजल सिंह, गुड आफ्टरनून। सभी फटाफट फटाफट से एक बार आ जाइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी। काजल सिंह, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों फटाफट शेयर करो, आज के सेशन में 30 क्वेश्चन हैं और इन 30 क्वेश्चनों के दौरान हम फटाफट फटाफट करके चलेंगे, तभी 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो पाएंगे। रितु चौधरी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिनों में आई है रितु। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक क्या है हमारा, वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक देखो, मापक यंत्र एवं पैमाने, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आज हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन कौन सा? मापक यंत्र एवं पैमाने, इस टॉपिक के हम क्वेश्चन करेंगे आज। और इस टॉपिक के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज आपके सामने 30 सवाल, और 30 के 30 सवाल आज अपने को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अनिरुद्ध यादव, राधे राधे गुरुजी, कैसे हैं सर जी आप? एकदम मस्त हूं दोस्त मैं तो, आप बताइए आप सभी कैसे हैं। नवीन कुमार, चिरंजीत विश्वास, रविंद्र यादव, जो भी दोस्त फेसबुक पे हैं, दोस्तों आपको भी सभी को गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। आपका दिन शुभ रहे। और शरद पूर्णिमा है आज दोस्तों, शरद पूर्णिमा की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। तो फटाफट फटाफट से दोस्तों चलते हैं, टॉपिक क्या है। इससे पिछला जो टॉपिक चल रहा था हमारा, वो था मापन, और अभी जो हमारा टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ वो है मापक यंत्र एवं पैमाने, ये टॉपिक है आज हमारा। चलिए तो दोस्तों इसके पहले सवाल की तरफ हम चलते हैं, और पहला सवाल ये है हमारे सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, सॉरी पैनल के ऊपर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। फटाफट से इसका आंसर देना है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी से एक बार सभी लाइक कर दीजिए फटाफट से। सर बताएं और बताएं सर आजकल चल क्या रहा है फिलहाल। अभी चंदन कुमार, फिलहाल तो दोस्तों क्वेश्चन ही चल रहे हैं और तो कुछ नहीं चल रहा अभी। रागनी सिंह, रागनी सिंह ठीक ठाक है हम लोग भी सर जी। शेखर बंजारा, चंदन कुमार, पहले सवाल का आंसर जल्दी जल्दी देना है आपको आज, फटाफट फटाफट से चलना है आज आपको। सोनार निम्नलिखित के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि सोनार जो है ये किन के द्वारा प्रयोग में आता है? अंतरिक्ष यात्री इसको प्रयोग में लेते हैं, डॉक्टर लोग इसको प्रयोग में लेते हैं, इंजीनियरों द्वारा काम में आता है, या फिर नौ संचालक, नौ सेना जो हमारी होती है उसके जो जलयान होते हैं उनके अंतर्गत ये काम में लिया जाता है। जल्दी से आंसर देना है दोस्तों, फटाफट फटाफट आंसर देना है। दो होगा सर, डॉक्टर, डॉक्टर द्वारा काम में लिए जाते हैं सोनार, अनिरुद्ध यादव कह रहा है। चरणजीत, रंजीत सोलंकी, रविंद्र यादव, दोस्तों आप फेसबुक के अपेक्षा यूट्यूब पे जुड़ जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस जयपुर, फटाफट से। और इसका दोस्तों आंसर है
चार बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो कौन है, नौ संचालकों द्वारा, यानी कि हमारे जो जलयान होते हैं, हमारे जो पानी के जहाज होते हैं, हमारे जो INS होते हैं, इंडियन नेवल शिप जो होते हैं, जलपोत जो होते हैं, पनडुब्बियां जो होती हैं, टोरपीडो जो होती हैं, उन सब के अंतर्गत किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग होता है। ठीक है, चार होगा, कन्फर्म चार होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है। आज सारे ही सवाल ऐसे आएंगे दोस्तों, आसान आसान से सवाल होंगे, इनमें समझने का काम है नहीं, फटाफट फटाफट से हमको उत्तर देना है और अगले सवाल पे चलना है। सवाल नंबर दो दोस्तों, फटाफट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ध्यान से देखना है आपको और उसके बाद बताना है आपको। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सक्सटेंट या फिर सोनार। दूसरे का विकास कुमार कह रहा है दो का चार होगा कन्फर्म। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस देखो, कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है मित्र का। जल्दी बोलो, वेरी गुड वेरी गुड। शेखर बंजारा गलत कर रहा है, दो का दो आंसर दे रहा है शेखर, गलत होगा, दो का दो आंसर नहीं है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग भैया मेरे कहाँ किया जाता है, विद्युत धारा का विक्षेप नापने में किया जाता है यार। चार होगा, कन्फर्म चार है सोनार का। जीतू जांगिड़ कह रहा है हाँ सर बिल्कुल कन्फर्म चार है, एकदम चार होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, सोनार में हम किनका उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए फटाफट जल्दी से। जल्दी से शेयर भी करो इसको दोस्तों, शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, फटाफट फटाफट शेयर करते जाइए और एक बार सभी लाइक भी कर दीजिए। बताइए 300 लोग अभी देख रहे हैं और मात्र 6 लाइक है दोस्तों यार अभी तक। जल्दी से फटाफट, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, जल्दी से आपको बताना है। गलत हो गया कोई बात नहीं, अगले सवाल पे ध्यान दो शेखर। सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं, कौन सी तरंगों का उपयोग सोनार में किया जाता है, रेडियो तरंगों का, साउंड नेविगेशन रैंगिंग। सोनार का पूरा नाम है ये तो आपको, सोनार ये भी पूरा नाम नहीं है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है इसमें। जल्दी से बोलो भैया, सोनार में हम कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का, श्रव्य या ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, अश्रव्य तरंगों का। तीन पर लॉक कर दूं, महेंद्र चंदेल कह रहा है तीन पर लॉक कर दो सर। प्रदीप कुमार मांदा, दनीश गोरी, गुड आफ्टरनून सुमित कुमार, तीन होगा सर जी पक्का, ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगों में तीन कहाँ है भैया, ध्वनि तरंग में तो दो है अनिरुद्ध यादव, मतलब बता कुछ रहा है, तीन होगा सर जी, तीन का एक कन्फर्म, रेडियो तरंगे गलत है। गुड आफ्टरनून विश्वा, आ गई विश्वा, गुड आफ्टरनून विश्वा। चलिए क्या आएगा, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ध्वनि तरंगों का नहीं करते हैं इसमें, रेडियो तरंग नहीं है, श्रव्य ध्वनि नहीं है, पराश्रव्य और अश्रव्य भी नहीं है, कौन सा आएगा, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, सोनार के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल दोस्तों फटाफट, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, जल्दी से बताना है आपको, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, बहुत आसान से सवाल है ये, इनमें समय नहीं लगाना है आपको, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, जल्दी बताइए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र।
अच्छा देखो, इनमें से आंसर मैं बता देता हूँ, उसके बाद अपन इनकी भी बात करेंगे कि बाकी के जो और हैं ये किस काम में आते हैं। तो आंसर है इसका चार, ऑडियोमीटर। आंसर कौन आएगा? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये ऑडियोफोन कहाँ काम में आता है? ऑडियोफोन काम में आता है श्रवण संबंधी जो दोष होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को कम सुनाई देता है, श्रवण संबंधी दोषों के निवारण में, दोषों के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। श्रवण संबंधी दोषों के निवारण में, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई बहरा व्यक्ति होता है तो वो कान में एक मशीन लगा के रखता है। वो कान में जो मशीन लगा के रखता है वो कौन सा यंत्र है? वो है ऑडियोफोन, जो ध्वनि की तीव्रता को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिससे वस्तुएं जो होती हैं वो हमको दिखाई दे जाती है। अच्छा, क्रोनोमीटर कहाँ काम में आता है? ये काम में आता है तापमान नापने में, आर्द्रता और वायु दाब में होने वाले परिवर्तनों को नापने में। किस किस में? तापमान, आर्द्रता एवं वायु दाब में, एवं वायु दाब में होने वाले परिवर्तन बताता है ये, होने वाले परिवर्तनों को मापने में कौन काम में आता है? क्रोनोमीटर काम में आता है। एक ही यंत्र है जो तीन चीजों का एक साथ, तापमान, आर्द्रता और वायुदाब, तीनों को एक साथ ज्ञात करता है। वो कहाँ काम में आता है? वो काम में लिया जाता है क्रोनोमीटर। इन तीनों को एक साथ मापन कर देता है वो। और एक बचता है दूसरों, एनीमोमीटर। ये कहाँ काम में आता है? एनीमोमीटर काम में आता है वायु का वेग नापने में, वायु का वेग मापने में। तो ये तीन यंत्र और हो गए। क्रोनोमीटर कहाँ काम में आ गया? तापमान, आर्द्रता और वायु दाब में होने वाले परिवर्तनों को नापने में। एनीमोमीटर वायु का वेग नापने में। ऑडियोमीटर श्रवण संबंधी दोषों को ज्ञात करने में। और ऑडियोमीटर कहाँ काम में आता है? ध्वनि की तीव्रता नापने में। कोई बात नहीं है, लेट हो गए तो फटाफट फटाफट से शेयर करो दोस्तों, अभी पहुंचे नहीं है अपन टारगेट पे। नेक्स्ट सवाल, एनीमोमीटर मैं बता चुका हूं अभी अभी। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? प्रेशर ऑफ एयर, दो पवन की गति। पांचवें सवाल का आंसर दो। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? जल्दी से दोस्तों, बहुत आसान से सवाल है, इनमें समय नहीं लगेगा आपका और ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर भी नहीं आएगा, इसलिए आंसर देने के बाद इस लिंक को शेयर कर दिया करो। जल्दी से बोलो, एनीमोमीटर से निम्नलिखित, ऑडियो फोन टू मोबाइल और एयरफोन और आपके माइक में भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है ऑडियो फोन भैया। पांच का तीन पक्का। अरे अभी अभी तो बताया है इससे पिछले सवाल के अंतर्गत, ये रहा पिछला सवाल देखो, और इस सवाल में बता रखा है एनीमोमीटर कहाँ काम में आता है? एनीमोमीटर वायु का वेग मापने में काम आता है। और यही हमारा अगला सवाल था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनमें ज़्यादा समय अपने को नहीं लगेगा। एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? पवन का वेग मापने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये एक दूसरे में मिल जाएंगे सवाल, आपको ध्यान देने की बात है। अगला, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो उसके काम के अनुसार नहीं है। सही तो है सर, बिल्कुल सही है, मैं आपको कब गलत बता रहा हूं? पवन का वेग, बिल्कुल अनिरुद्ध यादव। आपको इस सवाल का आंसर देना है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? बोलो, कौन सा ऐसा है जो
सुमेलित नहीं है, यानी कि जिसका जो काम लिखा हुआ है वो उस काम के अनुसार नहीं लिखा हुआ है। जैसे यहाँ वायु की चाल एनीमोमीटर से करते हैं, विद्युत धारा एमीटर से करते हैं, टेक्योमीटर से लिखा हुआ है, दाबांतर पायरोमीटर से लिखा हुआ है, उच्च ताप। तो कौन सा है ऐसा जो इसके काम के अनुसार नहीं है? बिल्कुल, 6 का 4 हो सकता है। हो सकता है नहीं भैया, यहाँ पे तो कन्फर्म बोलना पड़ेगा। बिस्वा चौधरी का भी गलत है और विकास कुमार यादव का भी गलत है। आंसर कौन आएगा? आंसर है 3, ट्रैकियोमीटर जो होता है ये है, 3 है पक्का। बिल्कुल जीतू जांगिड़ कह रहा है, वायु की चाल कन्फर्म है, ये तो अभी पिछला सवाल भी था। विद्युत धारा किससे नापते हैं? एमीटर से, ये भी कन्फर्म है। उच्च तापमान मापने के लिए किसको काम में लिया जाता है? पाइरोमीटर को काम में लिया जाता है। और ये टैकियोमीटर जो है ये क्या काम में आता है? टैकियोमीटर का कार्य होता है क्षैतिज दूरी, उन्नयन कोण, क्षैतिज दूरी और उन्नयन कोण का मापन करने में काम आता है कौन? टैकियोमीटर। इनका मापन करने के लिए किसको उपयोग में लिया जाता है? टैकियोमीटर को उपयोग में लिया जाता है। जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है? दाबांतर दिया हुआ है, जो इसके अनुसार क्या है? एक गलत सवाल है, यानी कि सॉरी ये गलत है, इसलिए ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट सवाल 7वां, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे? मेरा सही है गुरुजी, हाँ ये तो लगभग सभी के सही आएंगे, आज तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सर मेरे कमेंट्स लेट आते हैं क्या आपके पास? बिल्कुल महेंद्र चंदेल भाई, 100% लेट आते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फेसबुक से दोस्त यूट्यूब के ऊपर आ जाइए। 100% बिल्कुल लेट पहुंचते हैं, फेसबुक वालों के कमेंट्स में तब तक देख पाता हूं, तब तक तो अगला सवाल शुरू हो जाता है। रतन लाल, लवंशी, राहुल ठाकर, बहुत लेट आते हैं दोस्तों आपके कमेंट्स, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यूट्यूब पे जुड़िए दोस्तों। सवाल पूछा है, निम्नलिखित ताप मापियों में से कौन सा ऐसा है जो पाइरोमीटर कहा जाता है? ये आपको बताना है, जल्दी से बोलो किसको अपन पाइरोमीटर कहेंगे। 7वें का 1, ताप विद्युत ताप मापी, ये गलत होगा, जल्दी से बोलो पाइरोमीटर किसको कहा जाता है? 7वें का 1 तो गलत है दोस्तों, 7वें का 1 ओके नहीं है भैया। अनीश अहमद, खुश रहो भाई, आशीर्वाद है आपको बहुत सारा। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है रसीद सिद्दीकी दोस्त, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं दोस्त, आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप यूट्यूब पे आओगे तो इस पहली क्लास में बहुत आनंद आएगा आपको। जल्दी से, निम्नलिखित में तापमापियों में से किसको पाइरोमीटर कहा जाता है? 4 होगा पक्का, चलो वो तो हम बता ही देंगे क्या होगा पक्का। पारुल सैनी, बिल्कुल सही जवाब, विकिरण तापमापी। क्या आएगा? विकिरण तापमापी। पाइरोमीटर में से किसको जाना जाता है? पाइरोमीटर के नाम से जाना जाता है विकिरण तापमापी, रेडिएशन थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सर सतीश बोरा, कौन सा आएगा? नंबर 2, विकिरण तापमापी। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है और आंसर कौन है दोस्तों? उसका आंसर है विकिरण तापमापी को हम पाइरोमीटर कहते हैं। तो 7वें का जो आंसर है वो है 2 आंसर। नेक्स्ट सवाल, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह कौन है? इंग्लिश ही नाम लिखा हुआ है, ये पाइरोमीटर जो है ये इंग्लिश ही लिखा हुआ है, और रेडिएशन थर्मामीटर मैं उसको बोल रहा हूं, विकिरण तापमापी उसको अपन बोलते हैं।
अंग्रेजी में रेडिएशन, विकिरण को रेडिएशन कहा जाता है, वो रेडिएशन के आधार पर काम करता है। राजू मीना, मेरा भी आज फर्स्ट क्लास है दोस्त, कोई बात नहीं है, आपसे भी कह रहा हूँ भैया फर्स्ट क्लास का भरपूर आनंद लेना है आपको, तो आप मुझे यूट्यूब पे देखिए दोस्तों जल्दी से। कोई बात नहीं, पिछला सवाल गलत हो गया तो यार इसका आंसर दो अभी तो फिलहाल। तो गणेश प्रजापति, पिछला सवाल सही है एकदम, आठवें का आंसर देना है दो। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह, अच्छा ये पारे पाने नहीं है भैया, ये है पारे, ये पारे का थर्मामीटर। अब बताना है आपको कौन सा सही होगा इनमें से, गैस थर्मामीटर होगा, पारे का थर्मामीटर होगा, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर होगा, या फिर वाष्प दाब थर्मामीटर होगा, कौन सा है? शहजाद हुसैन कैसे हैं सर, मस्त हूं भैया जल्दी से। विश्वा चौधरी सी आंसर दे रही है, 2000 डिग्री सेल्सियस का ताप मापने के लिए, बिल्कुल सही है, 2000 डिग्री सेल्सियस का ताप मापने के लिए कौन सा तापमापी उपयोग किया जाएगा? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर का ही उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इस ताप के ऊपर ना तो द्रव ना ही गैस जो होती है वो किसी भी प्रकार से इस ताप को ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम मान लीजिए गैस और पारे के तापमापी से ताप इतना ज्ञात करना चाहेंगे तो पारा और गैसें जो होंगी वो किस में, पारा तो होगा वाष्प अवस्था में ही चला जाएगा, इसलिए हम इनकी सहायता से तो इसका मापन कर नहीं सकते, तो फिर किसकी सहायता से करेंगे? पूर्ण विकिरण तापमापी रेडिएशन थर्मामीटर जो होगा उसकी सहायता से हम ताप ज्ञात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने में किया जाता है? नवे सवाल का आंसर, पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? उमेश गुप्ता भैया सी बता रहे हो आप, कौन से का है? नवे का आंसर देना है आपको तो, बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया है नवे का, शहजाद हुसैन का, उसके बाद चंदन कुमार का, इधर फेसबुक पे राजू मीना का आया है भैया, दीपक निषद का भी आ गया, लखन चंद्रवंशी का भी आ गया, जल्दी से फटाफट फटाफट दोस्तों जल्दी से शेयर करो इसको और जल्दी से लाइक भी करो। चरणजीत दो 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 दो, बिल्कुल सोलर रेडिएशन मापने के लिए पायरीहीलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने में। सूर्य विकिरण जो आती है, सौर विकिरण जो आती है, उन सौर विकिरणों का मापन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरीहीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? बहुत आसान आसान से सवाल है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम इनको। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है दोस्तों? शेयर करो फटाफट से, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों? गुड आफ्टरनून प्रेस कुमार, जल्दी से मैनोमीटर द्वारा क्या नापते हैं जल्दी से बोलो। आंसर सही है सर जी, वेरी गुड, आप खुद ही बता रहे हो कि आंसर सही है, बिल्कुल सही है, गैसों का दाब क्या नापते हैं? मैनोमीटर से, मैनोमीटर से नापा जाता है गैसों का दाब मापा जाता है। दोस्तों शेयर नहीं कर रहे हो जल्दी से शेयर कीजिए फटाफट, अभी 350 लोग ही अपने पास हैं जबकि रोजाना अपनी क्लास में 600 से 700 लोग रहते हैं, जल्दी से शेयर करो एक बार फटाफट। 11वां सवाल आपको बताना है दोस्तों, सूची वाला है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है आपको।
सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट के चयन कीजिए। आपको मिला के बताना है किसका उत्तर क्या आएगा। जल्दी से बोलो। एक पकड़ लो किसी को भी, एक दो तीन जितने भी याद हो आप उनको पकड़ लीजिए। पारुल सैनी जूम कर दिया है मैंने। ग्यारहवें का दो, ग्यारहवें का चार, ग्यारहवें का बी भी आ रहा है, मतलब दो भी आ रहा है, मैंने शेयर कर दिया। ब्रजभान रावत बहुत अच्छी बात है, थैंक यू दोस्त, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। बस एक कृपा और कीजिए, अब आप फेसबुक से यूट्यूब पे और आ जाइए दोस्तों। फटाफट से बोलो क्या आएगा आंसर। एक या दो जितने भी आपको याद हो उनको पकड़ लो, एक से पकड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो एमीटर, एमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, धारा के मापन में करते हैं अपन। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको देखो जैसे मान लो हो सकता है किसी को हाइग्रोमीटर याद नहीं हो, किसी को स्प्रिंग तुला याद नहीं हो, किसी को बैरोमीटर का। अब बैरोमीटर तो यहां से अगर देख सकते हो तो देखो एक का तीन, एक का एक से ही पता चल रहा है, इसमें भी तीन नहीं है, इसमें भी तीन नहीं है, इसमें भी तीन नहीं है, यहीं से पता चल गया पहली बात तो आपको कि क्या आएगा इसका आंसर। ग्यारहवें का आंसर आएगा दो नंबर, अर्थात बी आंसर आएगा। बाकी वैसे आप देखो एमीटर से क्या नापते हैं, धारा नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को नापते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। स्प्रिंग तुला किसको नापने में काम आती है, भार को मापने में काम आती है। और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, दाब नापा जाता है। ठीक है, यानी कि एक का हो गया तीन, एक का तीन, बी का हो गया चार, सी का हो गया दो और डी का हो गया एक। ये तीन चार दो एक, ये आपका आंसर था। इस तरह एक से मिलाने का प्रयास कर लो, अगर एक से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे चलते जाइए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बी होगा सर जी, सतीश सिंह बोरा, हाय सर जी। हां भाई सतीश सिंह फेसबुक से यूट्यूब पे आ गए हैं शायद, सतीश सिंह बोरा, रंजीत सोलंकी बाड़मेर, दिनेश कुमार, दोस्तों जो भी फेसबुक पे और दोस्त हैं अभी उनसे भी निवेदन कर रहा हूं फटाफट से यूट्यूब पे आ जाओ मित्रों। बड़े ही अच्छे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी फोटो है फेसबुक पे तो यार आपकी, किसी ने ब्लैक चश्मा लगा रखा है, देखिए कितने अच्छे अच्छे फोटो हैं यार, फटाफट से आ जाइए। बारहवें सवाल का आंसर देना है आपको, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में काम आता है। एक है ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में काम आता है। एक है ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। और एक है एमीटर विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है। कौन सा आएगा आंसर जल्दी से बोलो। बारहवें का दो आएगा, वेरी गुड। बारहवें का एक है स्पीडोमीटर, गणेश प्रजापति झाबर यादव। बारहवें का एक जो आंसर है वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है, दो गलत है। बिल्कुल सही कहा सतीश, दो गलत है सहजा, दो गलत है, एक व्यक्ति अभी तक बिल्कुल सही आया है, क्या बात है। इधर YouTube पे भी एक और Facebook पे भी एक, क्या बात है। Facebook पे आया प्रमोद मीना का, बिल्कुल सही आंसर आया प्रमोद मीना। और इधर YouTube पे आया कमोड कुमार और दूसरा आ गया सुल्तान अली, एक और भी आ गया चंदन कुमार, बिल्कुल सही है। आंसर क्या आएगा, चार आंसर आएगा। अरे एमीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है, विद्युत शक्ति को नहीं नापा जाता। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल मोटरसाइकिल में होता है, कार में, जीप में, ट्रक में, सभी के अंतर्गत होता है ये, जो किलोमीटर को दर्शाता है वो ओडोमीटर ही होता है। ओंडोमीटर क्या काम करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी बताने में काम आता है ये, और बिल्कुल सही है ये भी। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था, तो हमारे पास गलत जो है वो कौन आया, गलत आया एमीटर की। एमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत धारा नापने में करते हैं, विद्युत शक्ति में नहीं करते हैं।
ठीक है, बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक, सही बात है एकदम। तो आंसर आएगा 12वें का 4। नेक्स्ट सवाल, अब आ गया ये, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? देखता हूं कितने ऐसे हैं जो गलत करेंगे। बिल्कुल लखन चंद्रवंशी, फटाफट फटाफट, 12वें का नहीं 13वें का देना है दोस्तों। अब हम सबसे पहले दिया, जल्दी जल्दी शेयर भी करो और फटाफट फटाफट आंसर भी दो। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? कौन कौन गलत कर रहा है मैं देख रहा हूं, सही को नहीं देख रहा, मैं गलत को देख रहा हूं। धर्मराज मीना गलत, धर्मराज मीना ने गलत कर दिया। क्या बात है, इधर प्रमोद मीना ने भी गलत कर दिया फेसबुक पे। फटाफट से फटाफट लाइक भी ठोको, ब्राह्मण कह रहा है भैया लाइक भी ठोको। लाइक क्या ठोको, आप तो शेयर ही नहीं कर रहे हो, लाइक तो कहां से करोगे। एमीटर, विद्युत धारा को किससे नापा जाता है? एमीटर से नापा जाता है। बस मुझे ये देखना था कितने लोग इसमें गलत करते हैं। एक ब्रजभान रावत भी गलत कर रहा है दोस्त। चार क्या है, पोटेंशियोमीटर है चार तो भाई मेरे। सुल्तान अली वोल्ट मीटर विभवांतर मापने में काम आता है। नेक्स्ट सवाल, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? बोलिए। हाँ बिल्कुल सही था तुम्हारा। जल्दी से बोलो, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? बोले तो सर दो होगा। अनिरुद्ध यादव कह रहा है सर बोले तो दो होगा, एक भी हो सकता है। विनोद नंबरदार कह रहा है एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। जल्दी से बोलो, 14वें का दो, दो सही है 1000%। क्या बात है ब्रजभान रावत, तब की बार तो फुल कॉन्फिडेंस में है कि दो सही है 1000% कह रहा है, और मैं कह रहा हूं दो गलत है। अब बोलो क्या कहोगे। मूलचंद जांगिड़ एक बता रहा है, जल बता रहा है मूलचंद। वैसे तो देखो आंसर सभी आ सकता है उपरोक्त सभी, क्योंकि बैरोमीटर के अंतर्गत हम जल का भी उपयोग करते हैं, पारे का भी उपयोग करते हैं, एल्कोहल का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों पारे का, इसलिए ज्यादातर उपयोग किसका होता है? पारे का। तो आंसर भी कौन आएगा? पारा। वैसे ही सारा ही उत्तर सही है, ध्यान रखना। जल का भी उपयोग होता है, पारे का भी होता है, एल्कोहल को भी होता है, साथ में लिखा है उपरोक्त सभी, सभी का उपयोग भी होता है, लेकिन साधारण बैरोमीटर में सर्वाधिक किसका उपयोग किया जाता है? पारे का उपयोग किया जाता है। तो वो इसका उत्तर 4 भी मान सकता है और इसका उत्तर 2 भी मान सकता है, दोनों ही सही होंगे, ध्यान रखना। 2 भी सही है और 4 भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? 15वें सवाल का आंसर सही है मेरा, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? जल्दी से बोल दो फटाफट। हेलो सर, अदिति कश्यप, हेलो अदिति, गुड आफ्टरनून। राजेंद्र काचेर, रोहित रॉय, तीन राइट है, क्या बात है।
राइट है। लैक्टोमीटर, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं, बिल्कुल सही है, 100%। अच्छा, एक 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 सही है, 1,000। क्या यार हाइड्रोमीटर कहाँ बता रहा है तू यार ब्रजभान, हाइड्रोमीटर कहाँ काम में आता है यहाँ दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने? वो केवल आपेक्षिक घनत्व मापने में काम आता है, वो भी हाइग्रो होता है, हाइड्रो नहीं होता है। तो हाइग्रो ये है, लैक्टोमीटर काम में आता है दूध का आपेक्षिक। तो ऐसे ऑप्शन में क्या जाना चाहिए सर, सबसे ज्यादा वाले पे जाएं या सभी वाले पे जाएं? देखो ये ऐसा है शहजाद भाई कि वैसे तो दोनों ही सही है, आपको अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उसमें बोनस अंक मिलेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर तो किसी एक को ही सही मान सकता है, पारे को या फिर उपरोक्त सभी को। तो अगर पारे को सही मान रहा है तो भी हमारा सही है, और जो लोग उपरोक्त सभी करके आ रहे हैं उनका भी सही है। तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादातर क्या करता है, दोनों को ही सही मान लेता है। तो जिसने पारा किया होगा उसको भी नंबर दे जाएगा, और जिसने उपरोक्त सभी किया होगा उसको भी, और इन दो के अलावा जिसने किया होगा उसको कुछ नहीं देके जाएगा, या फिर ऐसा करेगा इस सवाल को डिलीट करके सभी को बोनस दे देगा। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। संध्या यादव गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट सवाल, दूध के घनत्व को किसके द्वारा, अच्छा सवाल दो बार आ गया क्या, दूध का आपेक्षिक घनत्व और ये है दूध का घनत्व, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? सवाल वही है, ये तो सवाल में कोई चेंज नहीं है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, वही आएगा आंसर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। किसका आएगा? लैक्टोमीटर, पहला सवाल था वही सवाल है, ये तो कोई नया सवाल नहीं है। अगला, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापी जाती है? ब्रजभान रावत भाई अब ध्यान देना, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसमें नापी जाती है, अब बताओ आप। हाँ सही है, वो तो 17वें सवाल का आंसर दो दोस्तों, फटाफट जल्दी से शेयर भी करते जाओ दोस्तों, क्या बात है, 2 दिन से मैं देख रहा हूं शेयर करने में कुछ कंजूसी हो रही है, जल्दी से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापी जाती है? 17वें का आंसर, क्या बात है क्या बात है, बस बस इतने मत लिखा कर गणेश प्रजापति, तुमने तो बहुत ज्यादा परसेंटेज जोड़ दिया यार, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा भाई। ब्रजभान रावत दो, हाँ ब्रजभान रावत आप बिल्कुल सही है, 17 का 2 बिल्कुल सही है ब्रजभान, 2 होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सुशांत तिवाड़ी एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वायु में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? 18वें सवाल का आंसर, वायु में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? रुकना नहीं है, जल्दी से आंसर देना है। जल्दी से बोलो, वायु हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं? 3, 2, 3, 16 का तो गया भाई मेरे अनिरुद्ध यादव, 16 सवाल क्या था, 16 का 2 नहीं होगा भाई मेरे, 16 का तो 1 ही होगा 100%। नेक्स्ट सवाल, हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाते हैं ये बताना है आप तो अभी, खेमाराम डूडी, क्या आएगा आंसर? हवा में आता नापने के लिए वही आएगा हाइग्रोमीटर। 18वें का क्या आएगा, वही है हाइग्रोमीटर ही आएगा, कोई सवाल में चेंज नहीं है, बस सवाल की भाषा को बदल रहा है वो बार बार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है वो बताना है आपको, जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है?
कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है, एक ही सुमेलित है बाकी सारे गलत है, इसमें केवल एक ही सही है बाकी सारे गलत है। देखो अब आप, संधारित थर्मामीटर होता है गलत है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिष्टकारी होता है नहीं होता, जंक्शन डायोड आवर्धक होता है नहीं होता, थर्मोरेसिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कौन है, थर्मोरेसिस्टर के नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को, वायुमंडल और हवा वही बात है सर, बिल्कुल सही कहा दिनेश भाई। क्या है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, एक तो होता है अपना साधारण तापमापी और एक होता है अपना इलेक्ट्रिक तापमापी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक तापमापी है हमारा जो है, ये ध्यान दे लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक तापमापी जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, थर्मोरेसिस्टर के नाम से जानते हैं उसको। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर, रक्तदाब मापने में किसका उपयोग करते हैं हम, रक्तदाब मापने में किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है आपको, रक्तदाब का मापन किससे किया जाता है, बोलो दोस्तों फटाफट। गुड आफ्टरनून राजेश कीचर भाई, राजेश काचेर गुड आफ्टरनून, ये दोस्त भी फेसबुक से यूट्यूब पे आ गया दोस्तों। सब जो भी नए फ्रेंड्स आते हैं वो सबसे पहले उनका काम है सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के निशान को दबाना ताकि जो भी क्लास होने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। जल्दी से बोलिए दोस्तों फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से दो, रक्तदाब मापने में कौन से यंत्र का उपयोग होता है, कोई गलत करेगा क्या इसको, कमोड़ कुमार गलत कर रहा है, डी आंसर दे रहा है, क्या आएगा आंसर नंबर दो, स्फिग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता नापने में जो उपकरण काम में आता है वो क्या कहलाता है ये बताना है आपको, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो उपकरण उपयोग लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो, प्रकाश की तीव्रता नापने वाला उपकरण शेयर भी करते जाओ दोस्तों फटाफट फटाफट, प्रकाश की तीव्रता नापने वाला उपकरण संदीप फोगाट, 21वें का आंसर देना है मित्रों, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, एक सही आया है अभी तक, बस नाम भी बोल दूंगा मैं उसका, जो सही आया है उसका नाम मैं बोलूंगा अभी, पहले और देख रहा हूं मैं जल्दी से किसका था, देखो हाँ नाम है उसका जिसका सही सबसे पहले आया था वो था मनोहर सिंह, और मनोहर सिंह के बाद आंसर दिया है संगीता मीना ने सही, उसके बाद नरेश सिंह, उसके बाद चंदन कुमार, फिर विश्वा चौधरी, अब बाकी वाले तो सब आ चुके ही हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर है 3 लक्स मीटर होता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो कौन होता है, लक्स मीटर होता है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट सवाल, राडार में किसका उपयोग होता है ये बताना है आपको, जल्दी से राडार में उपयोग होता है, कौन उपयोग होता है राडार में, 22वें सवाल का आंसर दो फटाफट, राडार उपयोग में आता है, राडार कहां उपयोग में आता है ये बताना है आपको, राडार कहां उपयोग में आता है, जल्दी से बोलो दोस्तों राडार कहां उपयोग में आता है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, गलत बात है, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, ये भी गलत है,
रेडियो तरंगों का प्रयोग कर वस्तु का पता लगाने में, ये बिल्कुल सही है, और वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में, गलत। तो राडार का उपयोग कहाँ करते हैं? रेडियो तरंगों की सहायता से वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? राडार उपयोग में आता है। तो राडार का उपयोग आपसे पूछे तो राडार का क्या आएगा आंसर? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है? राडार उपयोगी होता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? जल्दी जल्दी आंसर दो दोस्तों। लव यू टू मंगल सिंह, लव यू टू। कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? फटाफट से आंसर दो। बहुत आसान आसान से सवाल है। मान सिंह DMLT पलवल, जल्दी से। रजनीश काचेर, लव यू टू। फटाफट, क्या बात है, किसी का गलत होगा क्या? ये नहीं होगा, भूकंप की तीव्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित वाले जो आते हैं ये थोड़े से जरूर गलत होंगे आपके, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो, नहीं तो नहीं होंगे, ध्यान से पढ़ के आंसर दोगे तो नहीं होंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस का उपयोग ताप मापने में करते हैं, बिल्कुल ठीक है। किलोवाट हावर का उपयोग विद्युत में करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। RH का गुणांक जो है रक्त मापने के अंतर्गत या रक्त में काम आता है, बिल्कुल ठीक है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता मापने में काम आता है, ये गलत है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो हमारा आंसर कौन है? आंसर भी यही होगा हमारा। 24वें का आंसर क्या आएगा? 4, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है, ये भी कौन सा नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? ताप का ऐसा कौन सा पैमाना है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता? जल्दी से बोलो, ताप के कौन से पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो। मानसिंह गहलोत, थैंक यू सर जी, थैंक यू। 25 का आंसर क्या आएगा? 4, र्यूमर पैमाने में तो होता है सहजाद, क्या बात है। विश्वा, दीपक, निषद, ब्रजबान रावत, थोड़ी आवाज कम आ रही है, सोनू शाहू, दीपक निषद, गोवर्धन मीना, संध्या यादव, सुल्तान अली, सोनम शाहू, विनोद नंबरदार, भरतपुर, अंशु यादव, गोवर्धन मीना, चिरंजीत विश्वास, और गोवर्धन मीना, धर्मराज मीना, इन सब का सही है। केल्विन पैमाने के अंतर्गत नहीं होता है ऋणात्मक मान, ठीक है। तो सेल्सियस में भी ऋणात्मक होता है, माइनस में लिखते हैं, इसको भी माइनस में लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं, केल्विन को नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये कहां से कहां तक होता है? ये 273 केल्विन से कहां तक होता है? 373 केल्विन तक होता है। तो इसमें कोई भी ऋणात्मक मान नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, सिस्मोग्राफ, नेक्स्ट सवाल है सिस्मोग्राफ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आधा से है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? 26 का आंसर दो जल्दी से। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? जल्दी से बोलिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? क्या बात है, 273 से 337 केल्विन नहीं है दीपक, 373 ही आएगा दोस्त। सर के लिए लाइक कर दो। अरे सर के लिए कहां करते हो तुम, खुद के लिए ही लाइक कर दो यार, सर के लिए तो कभी नहीं करते हो तुम।
तुम खुद अपने आप के लिए लाइक कर दो। सिस्मोग्राफ क्या नापता है? भूचाल नापता है, भूकंप नापता है। नेक्स्ट सवाल, सुमेलित करना है फिर सुमेलित करो। सुमेलित करना है आपको, और क्या सुमेलित करना है वो आपके सामने ये है। सुमेलित कीजिए, मिलाव कौन किसका काम में आता है? ये भूकंप को नापने की इकाई है। 27 का बोलो जल्दी से। देखो 27 का भूकंप के लिए क्या काम में आता है? सिस्मोग्राफ। एक से पकड़ने की कोशिश करो, अगर मिल जाए तो एक का दो, एक का दो, यानी कि एक का दो, यानी कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब एक दो और चार में से देखना है। ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग होता है? अल्टीमीटर का। दो का तीन, यहां दो का तीन, यहां बी का भी तीन, यहां भी तीन, यानी कि अभी तक तीनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है। विद्युत धारा किस में नापते हैं? एमीटर में। सी का एक, सी का एक, यहां पे भी सी का एक, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन अपने पास? ये सी का एक, ठीक है। तो अपने पास प्रतिरोध का क्या आ जाएगा? प्रतिरोध का हो। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, इसको भी सुमेलित करो। सुमेलित कीजिए, इसको भी सुमेलित करना है आपको, करो फटाफट जल्दी से बोलो, सुमेलित करो इसको भी। बोलो 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 जल्दी, सुमेलित करना है इसको भी। फैदोमीटर, बैरोमीटर, जल्दी जल्दी बताओ कौन किसके अंतर्गत आएगा, आंसर दो जल्दी से। अट्ठाईस का दो होगा, अट्ठाईस का दो देखते हैं। बैरोमीटर से पकड़ने का प्रयास कर रहे हो क्या? बैरोमीटर से आ गया वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से आ गया क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर से आ गया ऊंचाई, और फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। तो एक का चार, एक का चार, और बी का एक, बी का एक, तो 28 का दो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल 29 नंबर, सुमेलित कीजिए, ये भी एक और सुमेलित लो भाई, सुमेलित करो फटाफट। तीन नहीं होगा अनिरुद्ध यादव, दो ही होगा उसका, इसको सुमेलित करो फटाफट से। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर जल्दी से कीजिए। जल्दी से करो, एनीमोमीटर कहां काम में आता है? देखो हाइग्रोमीटर आर्द्रता में आ गया, बैरोग्राफ किस में आ गया? वायुमंडलीय दाब में आ गया, सिस्मोमीटर भूकंप में आ गया, और एनीमोमीटर वायु के वेग में आ गया। तो एक का तीन, एक का तीन, और बी का एक, और सी का दो, और डी का चार। तीन एक दो चार, तीन एक दो चार, आंसर कौन आ गया? चार नंबर, चार नंबर आंसर आएगा दोस्त, चार नंबर। 29 का क्या आएगा? चार नंबर, ठीक है। चांदनी जयपुर, गुड आफ्टरनून चांदनी, गुड आफ्टरनून। फटाफट से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो भी करना, और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है वो जरूर करें, और बेल आइकन का निशान जरूर दबाएं। यूट्यूब पे आपको इसकी पीडीएफ, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, झूठ का पता लगाने में आप कितना झूठ बोलते हो ये पता लग जाएगा। झूठ का पता लगाने में किस यंत्र के नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बता दो। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है उसको किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बोलो। हम हैं चांद, टेलीग्राम की लिंक आपके कमेंट सेशन में है भाई मेरे, और नहीं है तो आप इसी नाम से सर्च कर लो, जल्दी से बताओ दोस्तों। लाइक तो तुम करते ही नहीं हो बिल्कुल भी यार, फटाफट से कौन आएगा आंसर? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है?
पॉलीग्राफ है, एक नंबर होगा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। क्लियर है? तो दोस्तों ये आज का सेशन था जिसमें हमने आज एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, मापन और यंत्र जो थे, मापक यंत्र और इकाइयां, उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। सोमवार को मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तो वो नया टॉपिक क्या होगा वो सोमवार को ही आपको पता चलेगा, तब तक के लिए राज राज ही रहेगा। चलिए तो दोस्तों सेशन कैसा लगा फटाफट से बता दीजिए, और एक बार सभी लाइक ठोक दीजिए जिनको अच्छा लगा है वो सब। फिर मिलते हैं सोमवार को सेम टाइम सेम जगह इसी चैनल के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू टू।